सो गाइस टाइम हो रहा है 11:28 और ये दूसरा वीडियो है। इसको मैं दूसरा इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज ये वीडियो जो पिछले वीडियो था वो बहुत लंबा हो रहा था, उसकी वजह से मैंने दूसरा वीडियो बना लिया। तो गुड मॉर्निंग टाइम सारे, 11 हो रहा है और इस वक्त जा रहा हूँ राबंगला, राबंगला से फिर जाऊँगा सिलीगुड़ी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आँखें नहीं खुल रही बिकॉज धूप आँख में लग रही है। तो निकलते हैं यहाँ से, ब्रेकफास्ट यहाँ पे किया, ब्रेकफास्ट करके निकलता हूँ। चलो सो मैं निकल चुका हूँ वहाँ से, नाश्ता करने का ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट में चाउमिन खाया जो आपने पिछली वीडियो में देखा, और नहीं देखा है तो आपको आई बटन में मिल जाएगा देखने। और मैं निकल चुका हूँ, देखो थोड़ी दूर आने के बाद यहाँ पे मतलब बहुत ही मतलब ऑफ रोड मिला हम लोगों को, बहुत ही ऑफ रोड है, देखो कितने ऑफ रोड है। और मैं ये वॉइस अलग से इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज मेरा माइक का जो कनेक्शन है वो निकला हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया हमेशा, मतलब मेरे से कोई ना कोई छोटी ना छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। तो गाइस क्यों ना ऐसे आप ऑफ रोड का भी मज़ा लिया जाए, क्यों है कि नहीं। तो ऑफ रोड का मज़ा लेते हैं और पढ़ते हैं अपनी अपनी जर्नी की शुरुआत को ख़त्म करते हैं राबंगला, और राबंगला से हम लोग जाते हैं फिर सिलीगुड़ी। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो आपको आपको पूरा फुल टू फटास इन्जॉयमेंट लेना है ना, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें। और देखो ऑफ रोड कितना ज़्यादा है मतलब, और बहुत सारे बाइकर्स लोग भी थे, आपको आगे वीडियो में देखने मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बाइकर्स। और आगे जुड़ने के लिए बने रहे इस चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अदर अपडेट्स। तो देखिए, और आगे में व्यू भी बहुत ही अच्छा है, जो रोड के उस पार है जो क्लाउड दिख रहा है बहुत ही मस्त है। तो क्यों ना निकला जाए हम लोग और वीडियो को स्टार्ट कर दिए हैं और मज़े लेते हैं इस व्यू का और निकलते हैं यहाँ से हम लोग। तो शुरू तो हो ही गया है। सो गाइस थोड़ी दूर चलने के बाद अब हम लोग पहुंचने वाले हैं नामची मार्केट, जो नामची जो ये शहर है उस शहर का जो मार्केट है, और ये कुछ व्यू पॉइंट है, ये पूरा मार्केट है नामची का। तो और आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं बुद्धा पार्क और ऐसी कुछ खास खास जो व्यू पॉइंट है, जो अच्छी जगह है वो आपको दिखाता हूँ और निकलते हैं फिर यहाँ से। चलो यहाँ पर थोड़ा टाइम लैप्स का मज़ा लिया जाए, क्यों है कि नहीं। 3 2 1 गो। सो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं बुद्धा पार्क से लगभग 2-3 किलोमीटर पहले हैं यहाँ से, बुद्धा पार्क होगा 2-3 किलोमीटर। हम लोग पहुंच चुके हैं राबंगला बोल के जो जगह है राबंगला, वहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं अभी। और ऐसा लग रहा है जैसे क्लाउडों के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं, और गाड़ियाँ भी देखो कितनी सारी लगी हुई है यहाँ पे, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में भी, और वहाँ पे बाइक राइड करने में इतना शांति एरिया है कि क्या बताऊँ आपको। और यहाँ पे ये जो फ्लैग लगा है ये प्रेयर फ्लैग है, और यहाँ पे एक जस्ट कुछ नया जस्ट ये ओपन हुआ है, यहाँ पे कुछ पार्क है जो यहाँ पे जस्ट ओपन हुआ है, आपको दिखाता हूँ आगे। चलो मैं दिखाता हूँ, देखो बाइकर्स ही बाइकर्स यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, आगे मैं ऊपर में जाकर आपको कुछ दिखाता हूँ, बिकॉज यहाँ से नीचे जितना ऊपर जाएंगे उतना अच्छा व्यू मिलेगा। तो आगे चलते हैं, तो दिखाते हैं व्यू का मजा तो काफ़ी ज़्यादा है, और हो सके तो वहाँ पर रुक के आपको दिखाता हूँ। चलो आगे निकलते हैं, रुकते हैं अब बोटी को रुकता है, रुकते हैं और आगे आपको व्यू दिखाते हैं। ओ माय गॉड क्या व्यू है। और यहाँ पे नीचे में नहीं जा सकते क्योंकि टाइम नहीं होगा जाने के लिए, और बाइक अलाउड नहीं है, बाइक लेके नहीं जा पाएंगे। तो ऊपर ही सबको व्यू दिखाते हैं आने के बाद बुद्धा पार्क। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बुद्धा पार्क, और ये देखो गाड़ियाँ कितनी सारी पार्क अवेलेबल हुई हैं पार्किंग में, और बाइक भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, एक्सेस बहुत ज़्यादा है। हम लोग भी बाइक पर पार्क लगाते हैं अंदर की तरफ बढ़ते हैं। पहुंच चुके हैं बुद्धा पार्क में, और यहाँ पे है बुद्धा पार्क, आपको अंदर घुस के दिखाता हूँ बाहर से क्या दिखाऊँ। तो जाते हैं अंदर, टिकट लेते हैं, अंदर जाते हैं, देखते हैं और कितना मज़ा आता है जाने में, बहुत ही मज़ा आया ऊपर तक आने में। तो ये है टिकट, तो जो टिकट था वो 50 रुपीज़ का था, इंडियन के लिए 50 रुपीज़ है और फॉरनर्स के लिए 200 रुपीज़ है, स्टूडेंट का 10 रुपीज़ है टिकट का दाम। और ये हम लोग अंदर आ चुके हैं और ऐसा कुछ व्यू पॉइंट देखने मिल रहा है हमें, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े का है।
बुद्धा पार्क, और बहुत ही मज़ेदार का है और बहुत ही लोग आए हैं, लगभग बहुत ही लोग आए, कितना बताऊँ मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ, बहुत लोग आए हैं। और ये देखें तू तो है ही भाई, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ऊंचा ऊंचा, मैं इतना ऊंचा कैसे बनाया होगा यार, बहुत ऊंचा है देखो, बहुत ऊंचा बनाया हुआ है, कैसे बना होगा पता नहीं, लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and on. कुछ नहीं है उसकी वजह से मैं ज़्यादातर टाइम लैप्स लिया हूँ और ऐसा सिनेमैटिक शॉट बनाया हूँ, तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी कर देना अच्छा लगे तो। तो ये अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग सिलीगुड़ी के लिए, और ब्लॉग को सिलीगुड़ी में जाके एंड करता हूँ। और ये कुछ व्यू है यहाँ का, पहाड़ियाँ ये देखो, ये पहाड़ बहुत ही, मतलब कितनी पहाड़ों को क्रॉस करके हम लोग ने आया पता ही नहीं है हमें, तो ये कुछ पहाड़ियाँ दिखाना था, लाइट आ जाता है तो ये पहाड़ देखो, फिर यहाँ से अब निकलता हूँ। सो फिलहाल अभी ये बुद्धा पार्क जो है, पार्क में अभी यहीं पे बैठा हूँ, और ये रहा बुद्धा पार्क। आजा भाई, आजा ना, आजा नहीं आएगा, बैक कैमरा से दिखाता हूँ आपको। तो ये है कुछ लास्ट व्यू यहाँ का, अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं सीधा सिलीगुड़ी के लिए। अब रास्ते में देखो कुछ खाते हैं, फिर निकलता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे रोड ब्लॉक हो चुका है, जो अभी साइड कर रहे हैं, लैंडस्लाइड हुए क्या? तो लैंडस्लाइड के मेरे आंखों के सामने वाला। सो गाइस यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, और ये रोड को जो है जाम लग गया, तो उसको क्लियर करते हैं, देखते हैं कितने देर में क्लियर होता है, उसके बाद निकलते हैं हम लोग यहाँ से। अभी ऐसा कुछ जगह में पहुंचा हूँ, यहाँ पे देखो पूरा पहाड़ को, मतलब पीछे देखो मेरा, पूरा पहाड़ को मतलब काट के पूरा रोड बनाया हुआ है, गया है। और यहाँ पे व्यू भी बहुत ही शानदार है, बहुत मस्त व्यू है, आपके लिए मैं वीडियो बना लेता हूँ एक बार, बहुत मज़े का व्यू है। और वहाँ पे देखो रोप राइडिंग भी है, होप कि दिख रहा हूँ वहाँ पे रोप राइडिंग है, वो सब मतलब कहीं से कहीं तक का होगा, बहुत ही अच्छा व्यू है, मैं आपको पीछे कैमरा से दिखाता हूँ, चलो। और इन्जॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इन्जॉय करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा हो या ना हो एक बार जरूर बता देना। तो गाइस 5:40 हो रहा है, और मैं सिक्किम एग्जिट कर रहा हूँ। सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी पर आए हो? सिलीगुड़ी गए हो फिर? हाँ गए। हुन्छ
ला थैंक यू। तो यहाँ पे नंबर जो जाने का टाइम में एंट्री होता है वो निकलने का टाइम में भी एंट्री होता है, तो वही एंट्री हो रहा था। उसके बाद मैं 5:40 में सिक्किम को एग्जिट कर दिया। अब ये बंगाल है गया। तो गाइज आपको मैं ना एक ही बार सिलीगुड़ी में मिलता हूँ, बिकॉज यहाँ पे अंधेरा भी हो गया, मेरा कैमरा का जो बैटरी है वो भी चार्ज नहीं है। तो आपको एक ही बार सिलीगुड़ी में मिलता हूँ मैं, ठीक है? पता नहीं टिंकू का, एक बार कॉल करके उसको पूछता हूँ। सो गाइस टाइम 7:21 हो रहा है और मैं माटीकरा क्रॉस कर दिया, और यहाँ से मेरा घर 1.5 किलोमीटर है। तो अभी एंड नहीं हुआ है, एंड तो मैं घर पे जाके करूँगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं अभी यहीं पर रहूँगा, थोड़ा काम है, चाय वाय पीऊँगा, उसके बाद ही जाऊँगा रूम पे। बहुत ज़्यादा हेड पेन हो रहा है मेरा, ऐसा लग रहा है जाते जाते मैं गिर जाऊँगा, मतलब पहुँचते पहुँचते बिस्तर पे गिर जाऊँगा। पता नहीं वीडियो एंड होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। मेरा जो नेक है ना वो बहुत पेन हो रहा है। बैठा बैठा यार, कब से सुबह से बैठा हूँ बाइक पे, 4 बजे से, अभी 7:30 हो रहा है, 4 से 4 12 घंटा, 4:30 समझ लो, उठा था 4 बजे, 4:30 समझ लो, 4:30 से 4:30 12, 5:30 13, 6:30 14, 7:30 15 घंटा, 15 घंटा से बाइक पे हूँ मैं। ओ माय गॉड। तो अभी मैं पहुँच ही चुका हूँ, 1/2 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से। तो गाइस मैं घर पे मिलता हूँ, अब अपडेट देते रह रहा हूँ आपको, ताकि आपको भी एक बार ना लगे कि हाँ सेवक से एक ही बार मैं घर पहुँच गया, उसीलिए अपडेट दे दे रहा हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट आए वीडियो देखने में। तो घर जाता हूँ और वीडियो को एंड करते हैं अच्छे से।